हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube के टेक्निकल वीडियो चैनल द बेस्ट कंप्यूटर को होना में। दोस्तों आज एक कॉमन सी प्रॉब्लम देखने के लिए आती है कि क्या होता है कि विंडोज 10 में जो लैपटॉप वगैरह होते हैं उनको कुछ देर के लिए आप टच नहीं करते हो तो उसके बाद वो स्लीप मोड में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हम बटन के साथ कई बार ऑन करना चाहें तो ऑन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आज सेटिंग बताने जा रहा हूँ आपको कि करते कैसे हैं। इसको चेंज जैसे राइट क्लिक किया मैंने और पर्सनलाइज पे चला जाऊँगा यहाँ से। उसके बाद आपको दोस्तों लॉक स्क्रीन पे आ जाना है और लॉक स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेना है इसको और आपको जाना है स्क्रीन सेवर सेटिंग। तो आपको जाना है चेंज पावर सेटिंग और आपको सबसे दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ सबसे जो अच्छी सेटिंग है वो आपको करनी चाहिए। जैसे मैं वही बता रहा हूँ आपको लैपटॉप में, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है टर्न ऑफ द डिस्प्ले। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 मिनट आप इसको लैपटॉप को टच नहीं करोगे तो 5 मिनट बाद आपका डिस्प्ले चला जाएगा। तो कई बार इसका यूज़ कम और मिस यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें लगता है कि लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई और हम चलते हुए लैपटॉप को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी सेटिंग ले लेंगे नेवर, और दोस्तों यहाँ पर भी मैं नेवर कर दूँगा और यहाँ पे नीचे भी मैं इसको स्लिप मोड में कर देता हूँ। जैसे स्लिप मोड पे भी नेवर ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद सेव चेंजेस कर देंगे। और उसके बाद दूसरी जो ऑप्शन है यहाँ पे लूँगा मैं चूज़ व्हाट द पावर बटन डज। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है यहाँ पे हम ले सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम शट डाउन करते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, कर्सर को लेकर के जाते हैं स्टार्ट में आइकन पे, वहाँ पे शट डाउन करते हैं टाइम लगता है। तो यहाँ पे प्रेस बटन के साथ जैसे हम डेस्कटॉप में करते हैं, हमने बटन दबाया और आपका कंप्यूटर शट डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा ही हम इसमें भी कर देंगे। अभी जैसे प्रेस बटन की ऑप्शन में ले लेंगे हम यहाँ पर शट डाउन और यहाँ पर भी शट डाउन और वैन द क्लोज LED। तो यहाँ पे हम ले लेंगे डू नथिंग, यहाँ पे ले लेंगे डू नथिंग। कई बार आपके पास बंद आता है, आपके खुद के लैपटॉप में भी यही हो जाता है कि ऐसे ऐसे कुछ देर चल के बंद हो जाता है, लेकिन बंदे को समझ नहीं पाता कि बंद होने का रीज़न क्या है। रीज़न दोस्तों यही है कि आपका लैपटॉप इस पोजिशन पर होने पर बंद हो जाता है। तो मैं इसको सेव चेंजेस कर दूँगा यहाँ पर, और सेव चेंजेस करने के बाद ये वाला ऑप्शन क्लोज कर दिया मैंने, ये भी क्लोज कर देता हूँ। तो अब दोस्तों सबसे बड़ा अच्छा इफेक्ट आपका ये रहेगा, एक तो आप लैपटॉप जैसे बंद करोगे तो उसमें आपके लैपटॉप की स्क्रीन तो बंद हो जाएगी लेकिन आपका काम चलता रहेगा, वर्किंग रहेगा आपका PC। और दूसरा ये है कि आप जब भी कहीं जाना हो तो आप शटडाउन का एक जिस बटन से आप ऑन करते हो लैपटॉप को, उस बटन को दबा करके एक बार चले जाओगे तो भी आपका लैपटॉप पूरा प्रॉपर शटडाउन ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।